हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड माय चैनल्स नेम इज जस्ट बी योरसेल्फ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ हेयर स्प्रेड की प्रॉब्लम के बारे में कि कैसे आप बहुत ही नेचुरली ढंग से, बहुत ही नेचुरली तरीके से अपने स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं कोकोनट मिल्क की मदद से। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे कोकोनट मिल्क बनाना है और फिर उसका क्रीम बनाना है अपने स्प्लिट एंड्स को ख़त्म करने के लिए। तो फिर देखते हैं वीडियो। कोकोनट मिल्क बनाने के लिए कोकोनट को इतने छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। इसका अभी पेस्ट बनाना है, इसको मैंने जार में डाल दिया है। अब इसमें 2 टेबलस्पून मिल्क डालना है, 1 टेबलस्पून वाटर डालना है, उसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। ये जो कोकोनट है ये आपको अपने बालों के अकॉर्डिंग लेना है। छोटे बाल हैं तो आप कम लीजिएगा और बड़े बाल हैं तो आप ज़्यादा ले लीजिएगा। ये मेरा पेस्ट रेडी है, अब हम इसे अच्छे से इसको स्क्वीज कर लेंगे, इसको छान लेंगे। अब इसे ऐसे करके इसका मिल्क निकाल लीजिए, इसका जो नारियल का दूध होता है उसको निकाल लीजिए, या तो किसी भी कपड़े में जो सॉफ्ट कपड़े होते हैं उसमें डाल के अब इसको निकाल लीजिए। ये मेरा कोकोनट मिल्क निकल गया है। इसमें हमें लेमन जूस मिलाना है, तो ये मैंने लेमन स्क्वीज करके रखा हुआ है, ये लेमन ही है तो इसको मैंने स्क्वीज करके रखा हुआ है। इसमें इस जूस में डालेंगे और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैं इसमें लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। कोकोनट मिल्क में मैंने लेमन नींबू का रस जो है उसको मिक्स कर दिया है अच्छे से। अब इसे 30 मिनट्स के लिए मैं फ्रिज में रखूँगी इसको क्रीम बनाने के लिए। आफ्टर 30 मिनट मैंने इसे फ्रिज से निकाला और ये ऐसा क्रीम बन गया है। अब इसे हमें अपने बाल में अप्लाई करना है। मिल्क क्रीम को बाल में लगाने के लिए पहले अपने बाल को अच्छे से डिटेंगल कर लेना है, फिर क्रीम को लेके इसे अपने पूरे स्कैल्प पे लगाना है, बाल के जड़ों में लगाना है और फिर पूरे बाल में लगाते हुए एंड तक अपने बाल में लगा लेना है। इसे अपने पूरे बाल में अच्छे से लगा लीजिए, उसके बाद 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देना है। मैंने इसे अपने पूरे बालों में लगा लिया, इसे 1 घंटे के लिए हमें इसे छोड़ देना है। सॉरी फ्रेंड्स, ये क्लिप मुझसे गलती से मिस हो गई है, इसलिए मैं अपने पिक डाल रही हूँ। 1 घंटे के बाद आप अपने बालों को शैम्पू कर लीजिए, अगर आपको शैम्पू नहीं करना है तो ल्यूकवॉर्म वाटर से वॉश कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये आपको काम आए, आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।